क्या है डिस्काउंट और क्या है इंसेंटिव, क्या मुझे डिस्काउंट पे भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं हर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि डिस्काउंट के बिना कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसेंटिव और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस और वो इंपॉर्टेंट इशूज जो डिस्काउंट और इंसेंटिव से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीएसटी के सारे इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर। इसके पहले भी एक सर्कुलर सीबीआईसी ने रिलीज़ किया था और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर फैला हुआ है, सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो कन्फ्यूज़न कि डिस्काउंट की अमाउंट टैक्सेबिलिटी की वैल्यू में से घटेगी कि नहीं घटेगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको 100 रुपये की गुड्स परचेज की और 100 रुपीज़ के गुड्स में मैंने आपको एक डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं देने के। पहला डिस्काउंट मैंने आपको ऐसा दिया कि 100 रुपये की चीज़ है, आपने कहा कि नहीं ये दूसरी दुकान पे तो इतने की मिल रही है, तो आई सेड कि ठीक है मैं आपको 80 रुपये में दे रही हूँ। मैंने इनवॉइस पे लिखा 100 रुपये माइनस डिस्काउंट 20 रुपीज़ आपको दे दिया। कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको 20 रुपये लेस करके जो 80 रुपये हैं उसी पर जीएसटी कैलकुलेट करना है, उसी पर जीएसटी पेमेंट करना है। देन कुछ डिस्काउंट ऐसे होते हैं कि जो सेल के टाइम पे ही फाइनलाइज नहीं होते, ध्यान रखिए मैं कह रही हूँ फाइनलाइज नहीं होते लेकिन डिसाइडेड होते हैं। तो जीएसटी में अगर वो डिस्काउंट सेल के टाइम पे डिसाइडेड तो था कि डिस्काउंट देने का क्राइटेरिया क्या होगा, आपके और मेरे बीच के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ मुझे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आज वो डिटरमिन नहीं हो सकता था और फ्यूचर डेट पर उसको डिटरमिन होना था, तो उस केस में भी जीएसटी एक्ट मुझे प्रोवाइड करता है कि वो डिस्काउंट भी मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो मान लीजिए आप मेरी शॉप पे आए, आपने कहा कि एक ही पर्टिकुलर मेरे को लैपटॉप परचेज करने हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप 10 क्वांटिटी ले जाओ तो मैं आपको ये 25,000 रुपये का रेट लगाऊंगी, राइट। तो आपने कहा कि नहीं सर मेरा अभी इतना सेल नहीं है तो मैं 10 नहीं ले जा सकता हूँ, मैं 5 ले जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं 5 और ले जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है जब तुम पूरे 10 परचेज कर लोगे, मतलब आज के 5 पे, तो मैं आपको 25,000 ही रेट लगा रही हूँ, तो मैंने कहा अगर तुम पूरे 10 परचेज करोगे तो चलो ठीक है मैं रेट 22,000 कर दूंगी। तो 22,000 ना सिर्फ 10,000 के आगे वालों के लिए बल्कि पूरे जो पहले भी आपने परचेज कर लिए उनके लिए भी मेरा जो रेट है वो कम कर दूंगी मैं आपके लिए, राइट। तो ये क्या है, ये डिस्काउंट डिटरमिन तो आज ही था, मतलब डिसाइडेड आज ही था, लेकिन डिटरमिन तब होगा जब तुम पूरी क्वांटिटी ले लोगे, उस समय पर डिटरमिन होगा। तो इस केस में मुझे जो डिस्काउंट है उसका अगेन बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट मैं करूंगी कैसे, क्योंकि जब मैं इनवॉइस रेज कर रही हूँ तब तो फुल अमाउंट पे कर रही हूँ, तो इस डिस्काउंट को दिखाने का तरीका ये है कि मैं फ्यूचर में क्रेडिट नोट रेज करूंगी और क्रेडिट नोट रेज करके आपको बोलूंगी कि देखो तुम्हारी 10 क्वांटिटी हो गई, तो अब 10 क्वांटिटी क्रॉस करते ही तुम्हारा जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर इतना हो गया, बट चूंकि मैंने तुमसे ज़्यादा ले लिया था तो अब मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करके वो डिस्काउंट आपको पास ऑन कर रही हूँ। ये क्रेडिट नोट विद टैक्स होगा, आप इसको टैक्स के साथ कर सकते हैं, और इसको रेज करने पे क्या होगा, मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था इसके बदले में वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो पे जाते हैं। अब ये तो डिस्काउंट हो गया ना, व्हाट इज इंसेंटिव, ये सीबीआईसी ने सर्कुलर में वो भी क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट एंड एन इंसेंटिव। वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट का मतलब तो ये है कि आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की, आपका काम था मुझसे परचेज करना और सेल करना, आपने वो ही किया, ठीक है। जहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, तो मान लो आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, मैंने आपको बोला कि तुमने मेरी 1,00,000 यूनिट अगर बेच दी तो मैं तुम्हें इतना रुपीज़ दूंगा या इतना कुछ एक अमाउंट दूंगी, ठीक है, आपने क्या किया उसके लिए स्पेशल रन कैंपेन रन किया, आपने उसके लिए ब्रोशर लगवा दिया, आपने उसके लिए कुछ कुछ करी और 1,00,000 की जो क्वांटिटी थी वो आपने क्रॉस कर दी, ठीक है, आप दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बेचते हो इसलिए मेरे के लिए, तो कस्टमर आता है तो आप कहते हो कि हाँ ये ठीक है लेकिन देखो ये बहुत बढ़िया है, राइट, होता है ऐसा जिसपे कमीशन ज़्यादा होता है आपका। तो कह रहे कि ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी आपकी साइड से मेरे लिए, तो अब सिर्फ तुम परचेज करके सेल नहीं कर रहे बट एक तरीके से आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे हो। तो सीबीआईसी का कहना है कि इस तरह के केस में जो मैं आपको पे कर रही हूँ, मान लो मैं आपको 2,00,000 रुपये पे कर रही हूँ उसके लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो डिस्काउंट नहीं है, नाउ दैट इज़ एन इंसेंटिव, तुमने मेरा ब्रांड प्रमोट किया इसके लिए मैंने तुम्हें इंसेंटिवाइज किया तो इसके लिए मैंने तुम्हें अमाउंट दी। अब ये कह रहे हैं कि वैल्यू में से लेस नहीं होगा बल्कि इसके लिए तो इनवॉइस रेज होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपने मुझे सप्लाई दी तो अब आप एक इनवॉइस रेज करो मेरे ऊपर, राइट, और बाकायदा टैक्स के साथ इनवॉइस रेज करो और तब इस इंसेंटिव को मैं पेमेंट दूंगी। और अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स में भी ये इंसेंटिव इनकम के रूप में ही दिखाया जाएगा। फर्क क्या होगा दोनों केस में,
अगर डिस्काउंट है तो इनकम टैक्स में मैं उसको अपनी परचेज की अमाउंट में से लेस करूंगी, ठीक है। अगर इंसेंटिव है तो मैं इनकम टैक्स में उसको बाकायदे एक अलग इनकम के रूप में बुक करूंगी। अच्छा, इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का इम्पैक्ट वो ही होगा। आप परचेज कम करोगे तो भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, आप उसको इंसेंटिव दिखाओगे तो भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जीएसटी पे हिट करेगा, क्योंकि अगर आपने वो परचेज लेस की है और यहाँ पे वो डिस्काउंट है तो आपका वो जो वैल्यू है उसमें से लेस होगा। लेकिन अगर वो इंसेंटिव है तो वैल्यू में से तो लेस होने की बात छोड़ दीजिए, बल्कि उस पर आपका एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी साइड से क्रॉस सप्लाई मानी जाएगी मेरी तरफ। तो वही सीबीआईसी ने यहाँ क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। एक बार मैं उनके वर्ड्स भी आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगी। उन्होंने कहे कि फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई पोस्ट सेल डिस्काउंट आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(3)(b), इट इज क्रूशियल टू एग्जामिन द ट्रू नेचर ऑफ डिस्काउंटर। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप ट्रू नेचर जो है ट्रांजेक्शन का वो पता करने की कोशिश करें। गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर होलसेलर टू द डीलर, इट वुड बी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन वेदर द एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स इन लियो ऑफ कॉन्सिडरेशन ऑफ एनी एडिशनल एक्टिविटी। तो आप सिर्फ परचेज करके सेल नहीं कर रहे हो, आप एक एडिशनल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ द पोस्ट सेल डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स टू द डीलर विदाउट एनी फर्दर ऑब्लिगेशन और एक्शन रिक्वायर्ड एट द डीलर्स एंड, द पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय द सेड सप्लायर विल बी रिलेटेड टू द ओरिजिनल सप्लाई एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट को जब मैं वैल्यू में इंक्लूड करती हूँ इसका मतलब वैल्यू कम होती है, निगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, हाउएवर इफ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन बाय द सप्लायर टू द डीलर इज द पोस्ट सेल इंसेंटिव, ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा वर्ड पे, रिक्वायरिंग द डीलर टू डू द सेम लाइक अंडरटेकिंग स्पेशल सेल्स ड्राइव एडवर्टीजमेंट कैंपेन एग्जीबिशन एटसेट्रा, देन इट विल बी अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लगभग वही उन्होंने बताने की कोशिश की है, थोड़ा और अच्छे खूबसूरत वर्ड्स में बताया सीबीआईसी ने। देन इसका मैं फोर्थ नंबर हेडिंग पढ़ रही हूँ। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड कि इफ द एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन बाई द सप्लायर ऑफ गुड्स टू द डीलर टू ऑफर ए स्पेशल रिड्यूस प्राइस, ये एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। कई जगह क्या होता है कि जो मेरा बायर है, मैं क्या करती हूँ सर, आप मुझसे मान लो कुछ परचेज कर रहे हो और आप आगे सेल कर रहे हो, तो मैं अपने कंपेटिटर्स को हराने के लिए क्या करती हूँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि तो एक काम कर, तुम मुझसे 100 रुपये का ले लो और तुम बायर को 90 रुपये का बेचो। ये होता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, ये आपकी ही जो क्वेरीज मुझे आती हैं उसी में काफ़ी लोगों की क्वेरी आई है ऐसी इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बारे में, कि मैं कह रही हूँ कि तू 100 रुपये का मुझसे ले ले, उसको लेके 90 का सेल कर, ठीक है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में रेट डाउन कराना है, मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। देन मैं कहती हूँ कि तुम एक काम करना, अब अगर तुमने 100,000 क्वांटिटी बेच दी, ठीक है, तो मैं तुम्हें 20 रुपये पर बैग के हिसाब से, मान लीजिए सीमेंट का बैग है, तो मैंने कहा पर 20 रुपये पर बैग के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर ये अब जो 20 रुपये बाद में है वो तो डिस्काउंट हो गया ना, ये डिस्काउंट नहीं है। ये सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में इसको वैल्यू में एडिड रखा जाएगा, ये आप वैल्यू में से लेस नहीं कर सकते। जो उन्होंने अपने शब्द इसमें यूज़ किए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट इफ द एडिशनल डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स टू द डीलर टू ऑफर ए स्पेशल रिड्यूस प्राइस बाय द डीलर टू द कस्टमर टू ऑगमेंट द सेल वॉल्यूम, देन सच एडिशनल डिस्काउंट वुड रिप्रेजेंट द कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स टू द डीलर फॉर द सप्लाई मेड बाय द डीलर टू द कस्टमर। तो सर इसको एक स्पेशल कंसिडरेशन माना जाएगा। दिस एडिशनल डिस्काउंट एज कंसिडरेशन पेबल बाई एनी पर्सन वुड बी लाइबल टू बी एडिड टू द कंसिडरेशन पेबल बाई द कस्टमर। जो कस्टमर ने आपको पे किया है वो यहाँ पे उसमें उसका प्राइस के अंदर एडिशनल कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पज द ऑफ अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ डीलर अंडर सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट। द कस्टमर इफ रजिस्टर्ड विल बी एलिजिबल टू ITC, और अगर नहीं है तो नहीं। तो उसने कहा कि सर जो आपने अब किया है, अगर तुम उसको डिस्काउंट मानते तो क्या होता, मैं बता रही हूँ इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मैं इसको डिस्काउंट मानती तो जो मैंने आपको 100 रुपये का बेचा है आप उसी में से 20 रुपये कम कर देते, तो आप दिखाते कि मेरी नेट परचेज 80 रुपये की और बेचा मैंने 90 रुपये में, ये आपके हिसाब से सोल ऑफ द ट्रांजेक्शन ये है। बट CBIC का कहना है कि सर सोल ऑफ द ट्रांजेक्शन ये नहीं है, तो आपने अगर 100 पे परचेज किया तो आपने 100 का ITC लिया ना, आपने उसको 90 में सेल किया तो क्या होगा, आपका ITC एक्यूमुलेट हो गया होगा थोड़ा सा, इसलिए आप रिड्यूस करना चाहते हो ना उसको। तो कह रहे कि नहीं ऐसी नहीं है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इज दिस कि आपने 100 का परचेज किया वो आपकी 100 की ही परचेज रहेगी, उसमें से आप 20 रुपये लेस नहीं करोगे, उल्टा 20 रुपये जो मैंने आपको दिए उसके लिए आप मुझे इनवॉइस रेज करोगे और उसको एज एन इंसेंटिव आपको बुक करना पड़ेगा। तो अब आप एक तरीके से देखो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी बढ़ गई,
क्योंकि आप मुझे इनवॉइस रेज करोगे तो आपको टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी बढ़ी, और यहाँ पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ज्यादा लिया क्योंकि 100 रुपये भी लगा होगा, तो उसको आप जब एडजस्ट करोगे तो नेट फिगर आपकी वहाँ पे कम आएगी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से ITC आपका बचेगा नहीं, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से भी। बट हाँ ऑब्वियसली क्योंकि वो जो अमाउंट होती है इंसेंटिव की इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वो मानी जाती है, मतलब वैसे तो आप उसको मान ही नहीं रहे हो इंसेंटिव, बट अब उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान के उसमें से उतनी अमाउंट टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी और उससे आपका ITC एडजस्ट होगा। तो ये CBIC ने किन शब्दों में बताया वो भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी, इट्स वेरी वाइड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है ये। इसके लिए फिर उन्होंने बताया कि 92/11/2019 ये 3 मार्च का 7 मार्च का ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सर्कुलर था, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, उस सर्कुलर के बाद ही क्वेश्चन रेज होने शुरू हुए, उसी पे CBIC ने क्लैरिफाई किया है। आई होप आपके लिए ये डिस्कशन यूजफुल रहा होगा, मेरे को इसको पढ़ के सीरियसली मजा आया क्योंकि काफी सारी जो कन्फ्यूजन थी और अलग अलग ट्रांजेक्शन थी उनके ऊपर एक क्लैरिटी आई CBIC की साइड से कि डिपार्टमेंट क्या सोचता है उन ट्रांजेक्शन के बारे में। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और इसीलिए कई बार होता है कि हमारे ऊपर काफ़ी सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं इन फ्यूचर जाके। तो आई थिंक इसको पढ़ने के बाद काफ़ी क्लैरिटी इस इशू पे आएगी कि डिस्काउंट और इंसेंटिव का फ़र्क क्या है, और कब डिस्काउंट लेस होगा और कब डिस्काउंट हमारा लेस नहीं होगा। अगर आपको ये डिस्कशन फ्रूटफुल लगा और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो छूट नहीं जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।